नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरसीएम की एंट्री के बारे में। आरसीएम की एंट्री कैसे करनी है, टैक्स लायबिलिटी कैसे बुक करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम करना है, और कैसे आप यहाँ पे उसका इफेक्ट दिखाएंगे और पोर्टल पे जाके रिटर्न फाइल होने के लिए रेडी होगी। आरसीएम की एंट्री करने के बाद टैली प्राइम का नया रिलीज है, रिलीज 3.0। इसमें तरीका थोड़ा चेंज हो गया है, पहले जो तरीका था वो पुराना था, अब नए मेथड के अकॉर्डिंग आपको आरसीएम की एंट्री टैली प्राइम में करनी होगी। तो चलिए समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम एक सर्विस की एंट्री करेंगे, जो हम सर्विस रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आरसीएम जो है सर्विस और गुड्स दोनों पे, जो आप रिसीव करते हो उल्टा आपको ही देना पड़ता है। तो पहले मैं यहाँ पे एक एंट्री करूँगा परचेज़ की, F9 में जाऊँगा, ये परचेज़ में आ गया। और आरसीएम में इनवॉइसिंग सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है, इसलिए F9 जाके और इनवॉइस आरसीएम पे आ जाएंगे। सेल्फ इनवॉइसिंग में देख सकते हैं नंबर ऑटोमेटिक एक नंबर आ गया, यहाँ पे एक नंबर लिख लिया हमने और ये डेट आ गई। यहाँ से पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लिया। आरसीएम किस चीज़ का है, रेंट के ऊपर है ये आरसीएम, जैसे कि आप सभी जानते हैं रेंट के ऊपर अब आरसीएम एप्लीकेबल है। कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो आप, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में तो रजिस्टर्ड पर्सन उस केस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी को पे करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको अकाउंटिंग मोड में करूँगा, मोड चेंज किया, अकाउंटिंग इनवॉइस ये ले लिए मैंने, अब URD रेंट ले लेते हैं, रेंट रेंट आ गया, ये रेंट का लेज़र और 50,000 का अमाउंट है रेंट का, इसको मैं कर रहा हूँ सेव। अब मुझे इसके ऊपर आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एंट्री में जाएंगे, मतलब वाउचर एंट्री में जाएंगे, F7 करेंगे, यहाँ से ऑल्ट और जे करेंगे, जीएसटी ले लिया, परचेज़। अभी हम पहले टैक्स लायबिलिटी को बनाएंगे, तो इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी लोगे, फिर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड डीलर कर सकते हो, अगर रजिस्टर्ड डीलर से होगा तो आप रजिस्टर्ड डीलर ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डीलर ले रहा हूँ, और जीएसटी पेबल ऑन आरसीएम ये ले लिया। जीएसटी पेबल ऑन आरसीएम का लेजर बना लेना आप, इसको आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में रख सकते हो या करंट लायबिलिटी के अंदर रख सकते हो, ठीक है, ये रख लिया मैंने। और अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूँ तो आरसीएम के ऊपर 50,000 का अमाउंट है रेंट का, इसके ऊपर 18% लग जाएगा, तो 9,000 रुपये का आरसीएम मुझे देना पड़ेगा, 9,000 रुपये। और लायबिलिटी क्रिएट होगी IGST की, क्योंकि इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन है ये, तो 18% ले लिया, टैक्सेबल वैल्यू 50,000 है ये ले लिया, 9,000 रुपये की लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल को येस करोगे, अब यहाँ पे पार्टी की डिटेल आएगी, यही इसके अंदर नया है टेली प्राइम में, पहले पार्टी की डिटेल नहीं आती थी, अब पार्टी की डिटेल के साथ उसको लिंक कर देगा कि किसका आरसीएम है ये। तो चलिए पार्टी की डिटेल को ले लेते हैं। जैसे ही पार्टी की डिटेल को लिया हमने, यहाँ पर डिटेल आ गई, अब रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड ले लिया, ठीक है, जीएसटी नंबर है ही नहीं, सेव कर दिया, ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। मैं अब आपको दिखाता हूँ रिटर्न में इसका इफेक्ट, डिस्प्ले स्टोचरी जीएसटी रिपोर्ट, और जीएसटी आर 3B में जाएंगे, R1 में नहीं होता आरसीएम, आरसीएम होता है जहाँ पे हम टैक्स लाइबिलिटी को पे करते हैं और उसका इनपुट भी क्लेम करते हैं। 3B में आ गए, यहाँ से मैं डेट डालूँगा 1/4/23 से 30/4/23, अप्रैल की 3B है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले 3.1 वाले टेबल पे आते हैं, जहाँ पे आपका आउटवर्ड सप्लाई आती है, नॉर्मल सप्लाई प्लस आरसीएम वाली। 3.1 में देख सकते हैं, ये देखो आउटवर्ड सप्लाई 90,000 है, 90,000 जिसके ऊपर 10,800 का टैक्स है, और नीचे देख सकते हो 3.1D के अंदर रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई आ गई है, इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इस पर क्लिक करोगे, देखो ये पार्टी की नेम और उसकी डिटेल, टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट आ गया है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे दिखता है, देखो 50,000 का अमाउंट है, 9,000 रुपये की जीएसटी जो कि आउटवर्ड लाइबिलिटी है।
ये 10,000 नॉर्मल सेल के ऊपर और 9,000 आरसीएम के ऊपर, टोटल 19,800 की लाइबिलिटी बन गई हमारी। ये तो हमने बुक किया लाइबिलिटी, लेकिन इसका इनपुट अभी तक हमारे पास आया नहीं है, इनपुट बुक नहीं किया बेसिकली। तो अगर आप इनपुट वाले कॉलम में देखोगे टेबल 4A के अंदर, इस पर आओगे तो यहाँ देखो ये नॉर्मल इनपुट आ गया, रिवर्स चार्ज का इनपुट यहाँ पे आता है जो कि अभी नहीं आ रहा। वो कब आएगा? जब हम यहाँ पे इनपुट की एंट्री करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, एंट्री में आ जाते हैं, और एंट्री में आने के बाद फिर से ऑल्ट और जे करना होगा, जीएसटी ले लेंगे, और जीएसटी लेने के बाद यहाँ पे मैं इनपुट को इनक्रीज़ करने वाला हूँ, इनक्रीज इन इनपुट एक्स क्रेडिट ये ले लिया, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ले लेंगे, क्रिएट करेंगे तो जो जीएसटी का लेज़र है वो डेबिट होगा, यानी इनपुट आई जीएसटी डेबिट होगा जो कि 18% वाला है, 50,000 की टैक्सेबल वैल्यू है, 9,000 की जीएसटी बननी है, इनपुट बनना है आरसीएम के ऊपर, जीएसटी पेबल ऑन आरसीएम ले लिया, यस कर दिया, यहाँ से यस करेंगे, फिर पार्टी की डिटेल, पार्टी की डिटेल के साथ इसको लिंक कर देंगे, ये पार्टी की डिटेल ले लिया मैंने, और ये दिल्ली में है पार्टी और अनरजिस्टर्ड है, ये ले लिया। इससे पहले वाली एंट्री को भी सही करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि उसमें भी स्टेट उसका दिल्ली था। डिस्प्ले स्टेचुरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट में आओगे, 3B में आओगे, और यहाँ से डेट डालोगे 1/4/23 से 30/4/23। देखो ये लाइबिलिटी आउटवर्ड वाली, इसमें मैंने बताया था कि ठीक करना होगा हमें, तो स्टेट ज़रा ठीक कर लेते हैं, चलिए आ जाते हैं यहाँ से और स्टेट कर लेता हूँ दिल्ली, यहाँ हमने ठीक कर लिया, 50,000 टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी 9,000 रुपये का हो गया, इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन इसलिए आईजीएसटी, और ये देखो इनपुट में भी 9,000 आईजीएसटी का मेरा आ गया, यहाँ देख सकते हो ये इन्वर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, तो आरसीएम के ऊपर इनपुट ये आ गया और आउटपुट ऊपर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आपको आरसीएम के एंट्री करनी होगी। ये तो रेंट के ऊपर था, मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, एक और सर्विस ले रहे हैं हम लोग, इनवॉइस आरसीएम में आ जाएंगे, और मैं यहाँ पे फ्रेट की सर्विस ले रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसपोर्टर से, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर है और यहाँ से मैं ट्रांसपोर्ट सर्विस लेने वाला हूँ इस ट्रांसपोर्टर से, देख सकते हैं ये फ्रेट ट्रांसपोर्ट फ्रेट चार्जेस की सर्विस है, और ये इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन है, इसलिए अलग से मैंने लेजर बना रखा है फ्रेट चार्जेस इंटरेस्टेड आरसीएम। इस लेजर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, देखो ये फ्रेट एंड कार्टेज है, और यहाँ से जीएसटी नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ से एप्लीकेबल है, और देख सकते हैं यूज़र स्पेसिफाइड डिटेल्स के अंदर ये कोड है और ये बाकी डिटेल है। F12 करते हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको यस कर देंगे तो जो रिवर्स चार्ज की कैलकुलेशन की डिटेल्स है वो भी आपको दिखेगी। ये देखो एप्लीकेबल ये आ गया, फ्रेट एंड कार्टेज, जीएसटी रेट इन डिटेल्स, टैक्सेबल 5% जीएसटी, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज यस कर रखा है कि इसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, इस सर्विस के ऊपर सर्विस ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, स्टेचरी डिटेल्स को सेट या अल्टर करना चाहते हो नो, बाकी ऑप्शन को यस कर दिया, ठीक है। और मैं इससे 20,000 रुपये का फ्रेट सर्विस ले रहा हूँ, ठीक है, इसका जीएसटी मुझे खुद ही जमा कराना पड़ेगा, 5% है जब आप जीटीए से सर्विस लेते हो, ये जीटीए है बेसिकली, तो जीटीए से सर्विस लेते हो तो 5% का जीएसटी जमा कराना पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों ने सर्विस बुक कर लिया है, इसकी सेल्फ इन्वॉइसिंग भी खुद ही करी है, ठीक है, 20,000 की सर्विस है और इसके ऊपर 5% जीएसटी जमा करानी पड़ेगी। अब दोस्तों मैं आपको इसका ना एक आरसीएम की रिपोर्ट भी दिखाता हूँ जो कि टेलीप्राइम में है, और किसी में आपको ये रिपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, टेलीप्राइम के रिलीज 3.0 के अंदर ये रिपोर्ट देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में आएंगे, स्टेचुरी में आएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ से अदर रिपोर्ट में आ जाते हैं, और देखो रिवर्स चार्ज सप्लाई की रिपोर्ट यहाँ दिखेगी, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 23 तक की रिपोर्ट ये है मेरी, देख सकते हैं, बोलता है कि अनरजिस्टर्ड डीलर से टोटल परचेज जो ये हुआ है, दोस्तों टोटल लाइबिलिटी ये बताता है कि 9,000 की बनी है जिसमें से 1,000 रुपये बुक हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखो बोलता है कि ये लाइबिलिटी 1,000 रुपये की है, जबकि 9,000 की एक लाइबिलिटी और है जो इसने कैलकुलेट नहीं किया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो
इसलिए है क्योंकि जो रेंट वाला है, रेंट वाली एंट्री है, उस पर हम लोगों ने आरसीएम एप्लीकेबल नहीं किया। चलिए एक बार देख लेते हैं जो एंट्री करी थी, डीएसएस करके इनवॉइस आरसीएम पे आ जाते हैं, क्योंकि वो बताता है कि लायबिलिटी केवल 1000 रुपये की, जबकि रेंट वाले के ऊपर भी आरसीएम है। तो इसको हमें एक बार उस पर आरसीएम एप्लीकेबल करना पड़ेगा। इनवॉइस आरसीएम पे आ जाते हैं, रेंट वाली जो एंट्री है, रेंट सीरसपुर के नाम से, इसमें मैं आरसीएम एप्लीकेबल करने जा रहा हूँ, जीएसटी एप्लीकेबल कर देते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल हियर, जो एचएसएन कोड होगा रेंट का वो यहाँ पे डालना होगा। तो दोस्तों ये जो है 9972 है इसका कोड, ये लिख लिया हम लोगों ने। और जीएसटी रेट के बारे में पूछ रहा है, तो स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे जाके टैक्सेबल 18% लग जाएगा। आरसीएम एप्लीकेबल है, यस कर दिया, सर्विस है, और इसके बाद इसको कर रहे हैं सेव। इस एंट्री को भी कर लेते हैं सेव। ये एंट्री अपडेट हो गई है, अभी बाहर निकलेंगे, डिस्प्ले स्ट्रक्चर रिपोर्ट, यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट में फिर से जाएंगे अदर रिपोर्ट्स के अंदर, रिवर्स चार्ज सप्लाई, ये कुछ रिपोर्ट्स को अपडेट करेगा। ओके कर देते हैं, ये अपडेट कर दिए इसने। अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखो ये बताता है कि लायबिलिटी फ्रॉम रिवर्स चार्ज सप्लाई, रिवर्स चार्ज सप्लाई से लायबिलिटी बनी 20,000 की टैक्सेबल अमाउंट, 1000 रुपये का टैक्स, लायबिलिटी बुक। अब यहाँ पे ये देखो लायबिलिटी बुक में रेनू सबरवाल का उठा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो एंट्री कर रखी है रेंट की, उसको ये यहाँ पे उठा नहीं रहा है। इनपुट बुक सर्विस शायद पार्टी के लेजर में भी करना पड़ेगा, रेनू सबरवाल सिरसपुर। अब आ गया। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आरसीएम की रिपोर्ट, डिस्प्ले स्ट्रक्चरल रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट में जाओगे और टेलीप्राइम रिलीज 3.0 में एक नई रिपोर्ट बन के आती है, अदर रिपोर्ट पे जाके देखो यहाँ पे रिवर्स चार्ज सप्लाई की रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे आ जाओगे, देखो टोटल लायबिलिटी 10,000 की बन गई, 9,000 के रेंट के ऊपर, 1000 रुपये की अपना ट्रांसपोर्ट सर्विस के ऊपर। एंटर करोगे देखो यहाँ बताता है कि लायबिलिटी फ्रॉम रिवर्स चार्ज, तो हमने सर्विस लिया रेंट वाला 50,000 का और 20,000 की सर्विस ली ट्रांसपोर्ट की, तो रेंट के ऊपर 9,000 की लायबिलिटी और ट्रांसपोर्ट के ऊपर 1,000 की, टोटल 10,000 की लायबिलिटी, जिसमें से अभी केवल रेंट वाला बुक किया है जो कि 9,000 का है, और अभी हमें बुक करना है ट्रांसपोर्ट वाला यानी जीटीए वाली जो सर्विस है उसका, उसकी लायबिलिटी बुक करने के लिए पेंडिंग है, वो करेंगे बुक। ऐसे ही नीचे आओगे आप, अगर इनपुट की बात करो तो देखो टोटल इनपुट बनता है, ये सर्विस से बनते हैं दोनों, देखो ये सर्विस है 9,000 रुपये रेंट के ऊपर और 1,000 रुपये जीटीए के ऊपर। बुक कितना हुआ है, केवल बुक हुआ है हमारा यहाँ पे 9,000 रुपये, ये 1,000 रुपये का पेंडिंग है इधर। तो चलिए लायबिलिटी बुक करते हैं फिर इनपुट बुक करेंगे। चलिए बुक करते हैं, पहले क्या करेंगे लायबिलिटी बुक करेंगे, वाउचर एंट्री
F7 जनरल एंट्री में आ गए, यहाँ से ऑल्ट और जे करेंगे, GST इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी ले लिया, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ये ले लिया, और यहाँ से मैं लूँगा GST पेबल RCM, 1000 रुपये की लाइबिलिटी बनी है किसके ऊपर, इनपुट IGST की बनी है 5% वाली, 20,000 की टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से मैं GST पे जाऊँगा और पार्टी को अब लिंक करेंगे, यहाँ पे किस पार्टी का है, यहाँ पे ये पार्टी को लिंक कर दिया, ठीक है, उसकी डिटेल को सेलेक्ट करके पार्टी लिंक हो गया यहाँ पे, ये लाइबिलिटी बुक कर ली। अभी इनपुट बुक करते हैं, ऑल्ट जे GST इंक्रीज ऑफ इनपुट एज क्रेडिट, और यहाँ से लेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, और इनपुट बुक करेंगे तो GST वाला लेजर डेबिट होगा, इनपुट IGST 5%, 20,000 की टैक्स लाइबिलिटी है, 1000 रुपये का इनपुट है इसके ऊपर, GST पेबल ऑन RCM 1000 रुपये ले लिया, यस कर दिया। यहाँ से पार्टी में लेते हैं वैशाली टेम्पो, ठीक है, सर्विस का है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले स्ट्रक्चरी, GST रिपोर्ट, और सीधा अदर रिपोर्ट में आ जाएंगे, RCM की रिपोर्ट को देखेंगे। ये देखो लाइबिलिटी बनी 10,000 की, बुक कर लिया 10,000 रुपये। इसी प्रकार से इनपुट वाले में आ जाओ, देखो इनपुट टोटल बुक किया हम लोगों ने, टोटल 10,000 का इनपुट बना, 9,000 रुपये यहाँ इनपुट में बुक किया है, 1,000 रुपये इधर बुक किया सर्विस के अंदर। तो ये जो एंट्री है इसको भी सर्विस में कर देते हैं, गुड्स कर दिया होगा इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ सर्विस कर दो बस वहीं पहुँच जाएगा। ये लो सर्विस का, ये 10,000 सर्विस का इनपुट बना, 10,000 बुक हो गया, ठीक है। अगर आप रिटर्न में इफेक्ट देखना चाहते हो तो डिस्प्ले स्ट्रक्चरी GST 3B में आ जाओगे, यहाँ से डेट डालोगे 1/4/23 से 30/4/23, ये देखो 20,800 की लाइबिलिटी बन गई, जिसमें से 10,000 की RCM के ऊपर है और 10,800 की नॉर्मल सेल के ऊपर है। ऐसे ही अपना 10,000 का इनपुट बन गया, ये देख सकते हो, जो दोनों को मिला के है। तो इस प्रकार से आपको टैक्स लाइबिलिटी बुक करना है टेली प्राइम के नए रिलीज में, रिलीज 3.0 में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।